हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो ये वीडियो भाई आपके लिए कि जो ये सीईटी का जो रिजर्व फैसला है ये कब तक आएगा। वैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, लेकिन अब वो डेट जो मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंग अब दोबारा वीडियो में फिर अपडेट दे रहा हूँ आपको वही चीज़। और दूसरी बात कि जो अब भर्तियाँ हैं क्या पुराने तरीके से होंगी या जैसे चल रहा पैटर्न ऐसे ही होगी, किसकी संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे रिजर्व फैसले के बारे में। तो रिजर्व फैसला जो है, मैंने आपको कहा था कि सरकार बिजी है इलेक्शन में, ठीक है, और इलेक्शन जब होता है तो सरकार इलेक्शन पे ज़्यादा फोकस रखती है, बाकी कामों को बाद में देखती है। तो जो रिजर्व रखा गया था फैसला, वैसे तो अदालत का मामला है कि कब आए, लेकिन फिर भी सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है। मान लो कोई फैसला सरकार ने, जज साहब ने रिजर्व कर लिया, और वो फैसला मतलब अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है उसका फैसला आना, तो सरकार उस पर रिक्वेस्ट भी कर सकती है जी फैसला दे दिया जाए इस तरह से। तो और वो टाइम अभी सरकार के पास नहीं था क्योंकि सरकार लगी थी इलेक्शन में। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 25 तारीख से पहले फैसले आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, नहीं आएगा। मैंने कहा था 25 के बाद ही आएगा, और अब आपका फैसला जो आने की उम्मीद है वो आपका मंगलवार या बुधवार तक आपका फैसला आ जाएगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। क्योंकि वैसे तो देना तो कोर्ट ने, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब चुनाव भी जा चुके हैं, सरकार भी एक्टिव हो गई है, और अब फैसला, अब ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात गर्मियों की छुट्टी है। वैसे तो कोई टाइम नहीं होता कि रिजर्व फैसला कितने भी दिन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका फैसला मंगलवार या बुधवार तक आपका आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपका एलपीए का भी आएगा और 5 नंबर का भी आएगा। दोनों केस अलग अलग है, ध्यान देना, दोनों केस अलग अलग है। अब बात है जी, जो भर्तियां नहीं आने की बात हो रही है या इस फैसले के बाद क्या होगा वो एक अलग मैटर है। तो पुराने तरीके से भर्तियां होंगी या जो सीटी उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो जो मेरा एनालिसिस कह रहा है सिचुएशन देखने के बाद, तो ये कह रहा है कि भर्तियां पुराने पैटर्न पर हो सकती हैं, जो पुराना पैटर्न था विदाउट सीटी का, सीटी को एग्जम किया जा सकता है इन आगामी चुनाव को देखते हुए। क्योंकि सरकार तक आपकी बात पहुंच चुकी है कि अपने जो स्टूडेंट है, युवा साथी, वो नाराज हैं, आपकी नाराजगी सरकार तक जा रखी है, पहले भी जाती थी, अब भी जा रखी है। अभी इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी सरकार को कुछ जो रिजल्ट आएगा उसका पता चल जाएगा कि नाराज थे या नहीं थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है, तो विदाउट सीटी आपकी अगली भर्तियाँ विधानसभा चुनाव से पहले होंगी और जरूर होंगी, नई भर्ती जरूर आएगी। कोई ये ना सोचे कि जो सीटी की अभी फंसी हुई भर्ती है ये बस ये पूरी होंगी, इनके अलावा भी भर्ती आएगी, चाहे आपकी क्लर्क की हो, पैरामेडिकल स्टाफ की हो, चाहे आपकी टेक्निकल वगैरह की हो, चाहे आपकी वैसे सिविल की जॉब हो, आएंगी जरूर। कितने संख्या में आएगी, अखबार में तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बड़ा नंबर आएगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर आएगा कि आपको मौका मिलेगा। और विदाउट सीटी चांसेस हैं पूरे पूरे कि विदाउट सीटी आपकी भर्ती सरकार करे। क्यों? क्योंकि सीटी अगर करेंगे, एक तो सीटी हुआ नहीं है, 2021 वाला जो चल रहा है वही चल रहा है, अगर सीटी नहीं लिया तो नए बच्चे नाराज कि सीटी वही सीटी चल रहा है, हम कब पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर सीटी लिया तो फिर सीटी लिया जाएगा, फिर भर्ती का एडवर्टाइजमेंट निकाल के पेपर नहीं होगा दूसरी का, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। एक तो फॉर्म निकलेंगे, 20 दिन का टाइम तो कम से कम उसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में हर बार होता है डेट एक्सटेंड की जाती है 1 सप्ताह के लिए, मतलब 1 महीना मान कर जो फॉर्म भरने में, 1 महीने के बाद पेपर भी होगा, ऐसा तो है नहीं फॉर्म भरे 5 दिन बाद पेपर नहीं, 1 महीने के बाद जाके पेपर होगा, 2 महीने का ही पेपर होने के महीने के अंदर जहाँ करके रिजल्ट आएगा, 3 महीने इतना ही टाइम सरकार के पास है चुनाव से पहला आचार संहिता लग जाएगी, फिर कब अगला पेपर का फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर कब मेंस का पेपर होगा। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है विदाउट सीटी एक पेपर लेके रिजल्ट निकालने की, ठीक है। तो तैयारी कर दो और बाकी रिजल्ट फैसला आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा संभावनाएं बन जाएंगी कि भाई क्या होना आगे क्या नहीं होना। बाकी नई भर्ती जरूर आ रही है और आपका टाइम आपके पास मात्र 2 महीने मान सकते हो अगले एग्जाम को लेकर के, मात्र 2 महीने। तो धन्यवाद, इस वीडियो में फिलहाल नमस्कार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो शेयर करके और सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर दबाकर घंटी जरूर दबा देना ताकि आपको अपडेट मिले। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे, उस पर जुड़ जाओ। थैंक यू।